the seminar on Population Day linking with FP 2030 roadmap. I am thankful for the opportunity and the invitation by the CIP SIN. As you know, Pakistan is the fifth most populous country in the world with total population of 208 million. While population of Sindh in 2017 was 47.89 million, but there is conflict on it. We think that we have more numbers than 47.89 million. Believe Sindh bears more pressure due to migration from within the country, resulting into burden on the economy and resources of the province. Government of Sindh, Pakistan People's Party, this government is committed to address alarming level of population growth. In this regard, Sindh started with implementing Pakistan's FP 2020 commitments through costed implementation by CIP in 2015. We are also implementing CCI recommendation on population growth. In this regard, Sindh Population Task Force has been set up under the chair of Honorable Chief Minister Sindh. Sindh has enacted important laws like Early Child Marriage Restraint Act 2013 and has ensured prohibition of marriage before 18 years of age. Reproductive Health Rights Act 2019 and marital counseling and nikah registration is being made part of RH Act. जब मैं नाजिम था तो एक सेमिनार हुआ, वर्कशॉप हुआ, जिसमें तमाम नाजमीन थे और फेडरल गवर्नमेंट से भी लोग आए, इंटरनेशनल डोनर्स, जिस तरह अब भी ऑनलाइन है, बहुत सारे उसमें आए थे. तो कोविड की सिचुएशन है इसलिए वो नहीं आए खुद, लेकिन उसमें सब मौजूद थे. फिर पूरी जो ब्रीफिंग दी गई तो उसमें जो सबसे कम जिस पर अमल होता है कंट्रासेप्टिव के लिहाज से, वो था जी विजेक्टमी. जी जो मेल जो हैं वो इसमें नहीं आते. उस वक्त मिनिस्टर थे, मुझे याद है, इम्तियाज़ शेख साहब, हम दोनों ही थे. तो इम्तियाज़ साहब से पहले मेरी स्पीच थी. तो मैंने कहा, और भी हमारे नाजमीन थे, दीगर लोग भी थे, तो मैंने कहा कि ये इन्होंने कहा है कि सबसे कम रेशो इसका है, तो अब ये हम लीडर हैं या नहीं है, लेकिन ये लीडरशिप का तकाजा है कि हमें अपने आप को इसमें पेश करना चाहिए, तो हम सबको विजेक्टमी करानी चाहिए. तो मैंने तो करा ली, मिनिस्टर ने अपना पोर्टफोलियो चेंज कर दिया. अब यही सुन के कासिम तो चला गया, लेकिन रेहान हाथ चढ़ गया. कासिम भी, तो तालिब भी चले. तो मतलब सबको इसमें अपना अपना रोल अदा करना होगा. अब मैं शुरू से सुनता था पीटीवी पे, दो बच्चे खुशहाल घराना, मैं सुनता था, जाहिर है पढ़ते भी थे, सुनते भी थे, हर जगह जाते रहते भी थे, लेकिन सुनते सुनते मेरे पांच बच्चे हो गए. तो मतलब इसके लिए कोई, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह चले, आजकल जो बच्चे हैं वो पढ़ते भी हैं, उस पर अमल भी करते हैं. मिसाल के तौर पर मेरे बड़े बेटे के सिर्फ दो ही बच्चे हैं, मेरे दूसरे बेटे के सिर्फ दो बच्चियां हैं, मेरी बेटी की दो बेटे हैं. तो अब लोग अमल करना शुरू कर दिया है, लेकिन हमें इसके लिए एजुकेट करना होगा, प्रॉपर इसका तरीक़ेकार बनाना होगा, फिर कंसेप्ट जो सेप्टिव जो भी इस्तेमाल होते हैं उनके लिए इंसेंटिव्स भी देने पड़ेंगे. पूरे मुल्क में इस पर अमल होना चाहिए, लेकिन जाहिर है हमारी हुकूमत जो है सिंध में है, पीपल्स पार्टी की,
और मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विजन भी है, विजनरी लीडर हैं, और हम उनके सामने ये सारी चीज़ें रखेंगे ताकि इस डिपार्टमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए, फैसिलिटेट किया जाए और इस तरह की चीज़ें की जाएं ताकि इस पर अमल हो। जिस तरह बांग्लादेश की मिसाल दी गई, हम तो एक ही थे 70s के बाद, अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पर अमल किया है तो हमें उनको ही फॉलो कर लें ताकि वो चीज़ें यहाँ पे इम्प्लीमेंट हों। हमारे यहाँ एक दो दुश्वारियाँ ज़रूर हैं कि यहाँ पे बाहर से लोग बहुत आ जाते हैं और वो भी फिर हमें उनका जो प्रेशर है वो करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर अफगान रेफ्यूजीज़ की आज के बात चल रही है कि फिर वहाँ पे इस तरह के इश्यूज़ हैं, फिर वो यहाँ पे आ रहे हैं। पूरी दुनिया में जहाँ पे आते हैं रेफ्यूजीज़, ज़ाहिर है आ सकते हैं, आइनी तौर पर, इखलाकी तौर पर, इंसानी तौर पर हम किसी को नहीं रोक सकते, लेकिन जो तरीक़ेकार है, जो कानून कवानीन है, उन पर अमल करना बड़ा ज़रूरी होता है कि वो कैंप्स में रहें। पूरी दुनिया में कैंप्स में रहते हैं, यहाँ पे कैंप्स में कोई ऐसा नहीं, तो इस पर वफाकी हुकूमत को अमल करना होगा।